करेंगे, और उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है फेस को रिलेटेड लेके, तो वो सबसे पहले जो चीज होती है, टीनेजर से लेके मिडिल एज तक, अगर किसी के हार्मोन की प्रॉब्लम है तो मिडिल एज से उससे और भी थोड़ा, जिनका एज और भी थोड़ा बड़ा है उनका भी पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए दूँ। तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की ये सेशन है, आज की ये वेबिनार है। आज की सेशन को फुलफिल करने के बाद मैं जरूर आप लोगों की क्वेश्चन लूंगी, लेकिन उससे पहले जितना भी, मतलब इस ट्रेनिंग के दौरान जितना भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग प्लीज आप याद करके रखिए या तो लिख के रखिए। उसके बाद मैं बिल्कुल टाइम रखूंगी कि आप लोगों के साथ मैं बात कर पाऊँ। और सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये जो वेबिनार है ये फेसबुक पे भी लाइव हो रहे हैं, तो इसका जो लिंक है आप जल्दी से जल्दी सबको शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट होगी उतनी ज्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होगी और उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, राइट। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कोई मुझे चैट में लिखिएगा कि आपको ये दिख रहा है या नहीं, राइट। ओके अच्छा, सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स, थैंक यू। चलिए ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं, और आज की जो प्रोडक्ट है, मतलब आज की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशंस है उनको लेके हम लोग बात करेंगे। वो है स्किन रिलेटेड एक्ने की, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। वो सबसे पहले एक चीज मैं बोलना जरूरी समझती हूँ कि वो है कि अगर किसी का कोई भी एक्ने पिंपल्स का कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा देर तक जितना भी मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैंने उनको बहुत सारे प्रोडक्ट दिया है, मैंने उनको बहुत सारे मतलब क्रीम फेस के लिए क्रीम यूज करने के लिए दिए हैं, लेकिन उनका मेन जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, मैम तो मैं उसके लिए क्या करूं। देखिए मैं हमेशा एक चीज जानती हूँ कि स्किन और उसके साथ साथ अंदर की जो भी प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है। हेल्थ एंड स्किन इज अ बोथ आर रिलेटेड, राइट। तो अगर हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में, अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों को लेके काम करेंगे। आप अगर स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनको सप्लीमेंट देना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं उनके लिए कौन सा वाला सप्लीमेंट दूं। आज हम लोगों ने एक पैकेज बनाया है कि अगर आप किसी का भी एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है, किसी का भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या तो किसी का अगर स्किन में बहुत ज्यादा इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनकी स्किन के लिए हम लोग कौन से सप्लीमेंट दे पाएंगे, राइट। तो चलिए जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पांच सप्लीमेंट को लेके हम लोग आज बात करेंगे। एलोवेरा, त्रिफला, स्किन केयर टैबलेट, अकाई जूस और उनके साथ जेट प्लस, राइट। हम लोग अभी जानेंगे कि भाई इसके अंदर ये आखिर स्किन के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम लोग इसे दे रहे हैं स्किन के लिए तो इसमें फायदे क्या मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं एलोवेरा जेल की बात करूं, राइट, तो सबसे पहले जो चीज होती है वो है इज अ 100% नेचुरल एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भरा भरा हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कोई भी प्रोडक्ट स्किन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, राइट। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एलोवेरा जेल है ये प्योर एलोवेरा जेल है, जो 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, जिसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, जैसे कि वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
तो अगर एलोवेरा के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है तो इसका मतलब इसका बेनिफिट भी कुछ हटके ही होगी हेल्थ के ऊपर। एलोवेरा जूस अगर किसी का कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करना है वो है एलोवेरा जेल। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जेल है, राइट, जो आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है ये जो एलोवेरा जेल है ये पूरे बॉडी से आपकी जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे रिमूव करने में मदद करते हैं। आप देखिएगा कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, उसका मेन जो प्रॉब्लम होती है भाई आपकी स्किन का, आपकी हेल्थ का डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अगर आप एलोवेरा जेल किसी को दे रहे हैं तो वो फुल बॉडी से क्या करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, राइट। इसके वजह से आपकी ब्लड प्यूरिफाई होगी और आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे मतलब कम होता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एलोवेरा जेल इज अ एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल एजेंट होते हैं, जो अगर स्किन में कोई भी रैशेस हो रहे हैं, कोई भी पिंपल्स, कोई भी एक्ने या तो कोई भी इंफेक्शन अगर हो रहे हैं, अगर आप किसी को एलोवेरा जेल दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी से उसमें इम्प्रूव आती है, राइट। नेक्स्ट होती है एलोवेरा जेल, ये आप डेली बेसिस में आप जब इसे लेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपकी हेल्थ में, आपके स्किन में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेके जो हम बात करेंगे वो है त्रिफला, राइट। ये भी आयुर्वेद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। ये जो त्रिफला जूस है ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि आमला, हरार और उसके साथ साथ है बेहड़ा। ये जो त्रिफला है मतलब तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनाया गया है, राइट। आखिर ये क्या काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स है इज अ फुल ऑफ विटामिन सी। जैसे कि अगर मैं आमला की बात करूं, इसके अंदर हम लोग सभी जानते हैं कि आमला विटामिन सी से भरा पड़ा है, राइट। ये विटामिन सी हम लोगों की स्किन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कोलाजिन को स्ट्रॉन्ग बनाना। आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो एंटी ए मतलब ये जो एजिंग का लाइन्स होते हैं जो किसी को पसंद नहीं है, राइट, कि कम उम्र में या तो भाई अगर मेरा उम्र भी हो रही है लेकिन मुझे स्किन पे एजिंग लाइन्स नहीं दिखना है, तो इसके लिए विटामिन सी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इस त्रिफला जूस में के अंदर है। ये क्या करते हैं, ये कोलाजिन को बहुत ही अच्छी तरह से टाइटनिंग करते हैं, कभी भी उसे लूज नहीं होने देते। इसके वजह से अगर आपको एंटी एजिंग कोई भी बेनिफिट चाहिए तो इसके लिए आपको ये जूस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आमला है। उसके साथ साथ विटामिन सी मतलब आमला, आमला एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन में जो जो सन रे से जो यूवीए रेडिएशन आते हैं उसे ब्लॉक करने में मदद करते हैं, या तो उसके साथ मतलब अगर आपके स्किन में रेडिएशन सबसे ज्यादा अगर कोई भी इफेक्ट आए हैं, कोई भी डैमेज हुए हैं तो उससे उसे रिकवरी करने में बहुत जल्दी से वो मदद करते हैं। जिनकी स्किन में ऑलरेडी स्किन का प्रॉब्लम आ चुकी है जैसे कि पिगमेंटेशन जिसे हम लोग छाइयां बोलते हैं, या तो कोई भी ब्राउन स्पॉट जिसे हम लोग एक स्पॉट बोलते हैं, जिनकी स्किन में टैनिंग आ चुकी है सन रे की वजह से, उसे अगर रिमूव करना है देन आपको इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये त्रिफला जूस, राइट। अब चलते हैं जी, किसी को अगर एक्ने की प्रॉब्लम है, राइट, ये जो त्रिफला जूस है ये जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करने में मदद करते हैं, आपकी ब्लड से डिटॉक्सिफिकेशन करने में ये मदद करते हैं। जब भी आपकी ब्लड डिटॉक्सिफाई होगी आपकी स्किन की जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे बाहर आते जाएगी और आपकी स्किन देखने में बहुत ज्यादा
हेल्दी दिखाई देगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं केवा स्किन केयर टैबलेट्स। भाई ये जो स्किन केयर टैबलेट्स है, ये एक आप बोल सकते हैं कि ये एक मिरेकल एक टैबलेट है या तो एक मिरेकल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ही एक टैबलेट है जो तीन चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। एक है स्किन, सेकेंडली है हेयर, और उसके साथ साथ है आपका नेल्स। क्योंकि अगर आपको सुंदर दिखना है तो हर एक ऑर्गन को, हर एक मतलब पार्ट को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। ये केवा की जो स्किन केयर टैबलेट्स है, ये आपको ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड उनकी हेयर का भी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी के पिंपल्स का प्रॉब्लम है, आप देखिएगा उनको हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम लोग किसी का अगर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, रैशेस की प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके साथ बिल्कुल ऐड करेंगे ये स्किन केयर टैबलेट, राइट। क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी के हर्ब से बनाया गया, एक नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया एक टैबलेट्स है, जो एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मुलेशन से बनाया गया है, जो आपकी कोई भी अगर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत ही जल्दी से आपके स्किन का वो प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो भी हर्ब्स है उसके साथ साथ इसके अंदर वाइटामिन है, मिनरल्स है, और भी ज्यादा आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में जो भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो सारी चीज इसके अंदर है। स्किन केयर टैबलेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये स्किन, हेयर और नेल्स, ये तीन एरियाज में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। बस वही नहीं, उसके साथ साथ इट्स आल्सो एंटी ऑक्सीडेंट का भी, मतलब इट्स आ फुल ऑफ पावर ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, राइट। उसके साथ साथ इज आल्सो एंटी एजिंग न्यूट्रिशंस भी इसके अंदर है। मतलब अगर आपको स्किन को ठीक रखना है, यंगर रखना है, ब्राइटर रखना है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन में कोई भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, सेंसिटिव स्किन है, तो इसका मतलब आपको, आप यहाँ पे पहले जो प्रोडक्ट दोनों मैंने बताया उसके साथ साथ आपको स्किन केयर टैबलेट भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि कोई भी ऐसे लेडीज नहीं है, कोई भी ऐसे जेंट्स नहीं है जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत ना हो। आज मैं जो भी प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए ही है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप सारी चीज लेडीज के लिए बोलते हैं, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को लेके आज बात कर रही हूँ, या तो जो भी स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट को लेके मैंने बात किया है, वो सारे जेंट्स एंड लेडीज दोनों का ही है। आज भी जो भी प्रोडक्ट, वो जो भी मतलब एक पैकेज को लेके मैं बात कर रही हूँ, वो सारे लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसे कोई जेंट्स होंगे जिनको ये लगेगा कि भाई मेरा एज जितना भी हो, मेरे स्किन पे अगर झुर्रियां आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग सारे नेटवर्क मार्केटिंग में है, हम लोगों को ठीक रहना, मेंटेन रखना, खुद को यंगर रखना, एक्टिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट, सॉरी, नेक्स्ट जो है वो है आपके स्किन में रिंकल्स ना आए, उसके साथ साथ जिनके बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, जिनके स्किन में ऑलरेडी एजिंग लाइंस आ चुके हैं, जिनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा मतलब जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सैगिंग हो चुकी है, ये सारे अगर ऐसा किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, राइट। क्योंकि हम लोग सभी चाहते हैं कि भाई एक यंगर स्किन हो, स्किन देख के कोई मेरा एज ना मतलब बोल सके, एक बहुत ही एक वाइब्रेंट, एक हेल्दी स्किन सबका एक ड्रीम होती है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई एक मतलब आपको स्किन की जरूरत है, देन ये पैकेज आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है असाई जूस। ये जो प्रोडक्ट है भाई, इसके अंदर तो पूरे मतलब फ्रूट के भंडार है। अकाई बेरी के साथ साथ इसके अंदर 21 फ्रूट्स भी एडेड है, और हम लोग सभी जानते हैं कि ये फ्रूट्स एक मतलब ये जो सारे फ्रूट्स होते हैं, ये हम लोगों की स्किन के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होते हैं, राइट। आपकी स्किन का मतलब जितने भी ज्यादा विटामिन सी कोई प्रोडक्ट में हो, जितने भी ज्यादा फ्रूट कोई प्रोडक्ट में हो, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरा हुआ है। तो और ये एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो है स्किन के ऊपर, वो है आपकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट अप करने में मदद करते हैं। ये जो अकाई जूस है, ये आपके ओनली फॉर मतलब फेस को नहीं, आपकी स्किन में नहीं, आपको आपकी जो कार्डियो का जो भी हर्ट का अगर किसी का प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होना, कहीं कहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाना, या तो किसी किसी को ब्लड का मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, इन सभी प्रॉब्लम में अकाई जूस बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उसके साथ साथ एक हेल्दी स्किन के लिए, एक ब्राइटर स्किन के लिए, एक ग्लोइंग स्किन के लिए अकाई जूस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग लाइंस या तो एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे स्लो डाउन होना मतलब स्लो डाउन हो, जिनकी स्किन में ऑलरेडी एजिंग आ चुकी है, अगर आप चाहते हैं वो रिमूव हो जाए, या तो आप चाहते हैं कि जिनका प्री मैच्योर एजिंग आ चुकी है उसे रिमूव करने के लिए, देन आपको ये अकाई जूस लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर स्किन के अंदर डैमेज है, कोई भी टैनिंग है, उसे रिमूव करने के लिए ये अकाई जूस सबसे अच्छा काम करते हैं, राइट। किसी किसी को अगर स्किन का होता है ना कि आप बहुत सारे चीज यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी स्किन में ब्राइटनिंग नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्किन में पहले ब्राइटनिंग था अभी नहीं है, ये सारी चीज का जो भी सलूशन से ये फुल पैकेज अगर आप लेते हैं, तो ये आपकी स्किन में सारे जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा, राइट। क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे चीज आपकी जैसे कि न्यूट्रिशन बेनिफिट देते हैं, और उसके साथ साथ ये आप ऑल एज में भी ले सकते हैं, राइट। ये आपकी कोई एज बार नहीं है, आप ये कोई भी एज में ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जेड प्लस। इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है, देखिए मैंने हमेशा मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि हम जो लेडीज होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा केयरलेस होते हैं खुद के मामले में, फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं भाई। फैमिली के न्यूट्रिशन के बारे में एक लेडीज इतने अच्छा जानते हैं और शायद कोई नहीं जानते होंगे। भाई बच्चों को फ्रूट्स खिलानी है, हस्बैंड को प्रॉपरली डाइट मेंटेन करानी है, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, लेकिन जब भी खुद का टर्न आती है, सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी करते हैं हम लोग खुद। क्योंकि अगर हम लोगों को एक टाइम पे अगर दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे स्किन पे ब्राइटनिंग नहीं है, मेरे स्किन पे पहले से एजिंग लाइंस आ चुकी हैं, तब हम लोग कंसर्न होते हैं भाई अब मैं क्या करूं। बट मैं आपको बताऊं कि ये जो एजिंग लाइंस होती है, या तो जो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत पहले स्टार्ट होती है, बहुत ही पहले। अगर हम पहले से खुद को थोड़ा सा मेंटेन रख के, जो सप्लीमेंट की जरूरत हो, जैसे कि प्रोटीन की जरूरत हो, जिंक की जरूरत हो, आयरन की जरूरत हो, अगर वो हम लोग धीरे धीरे लेना स्टार्ट करें, तो कभी भी शायद ऐसा हो जाए कि हम लोगों की स्किन की कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पर कोई हम लोगों को देख के ये पूछे कि भाई आपने क्या लगाया, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आपने कौन सा सप्लीमेंट आप यूज करते हैं, राइट। आज जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपके सामने है केवा की जेड प्लस, वे भी ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो
300 एंजाइम जो होती है इज अ गुड एंजाइम. ये मतलब वो हेल्थ की जो सारे प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये जो जेड प्लस है ये देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये गुड एंजाइम की जो क्वांटिटी होती है उसे बढ़ाने में मदद करती है. ये बस आपके स्किन के लिए नहीं है, ये आपके हेयर के लिए है, ये आपकी नेल्स के लिए है. ये कोलाजिन को बूस्ट अप करने में मदद करते हैं, आपकी जो बोन के अंदर जो मतलब जो टिश्यूज होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं, कोलाजिन को प्रोडक्शन में मदद करते हैं, राइट. इट्स ऑल्सो एंटी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देते हैं. जेड प्लस कैप्सूल जो है ये जैसे कि कोई भी स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होते हैं ना, किसी किसी के बहुत ज्यादा स्किन में ऑयली स्किन जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई अभी उन्होंने फेस वॉश किया तुरंत बाद उनकी स्किन में पूरा ऑयल भर गया है. आप देख ही पाएंगे जिनका ऑयली स्किन है वो उनकी स्किन में ना बहुत जल्दी से सन बर्न हो जाते हैं, पिंपल्स रैश के साथ साथ उनको सन बर्न या तो टैनिंग का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, राइट. लेकिन अगर आप इसे मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको जेड प्लस कैप्सूल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. उसके साथ साथ सीबम को मतलब जो भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं उसे मतलब वो भी ये जेड प्लस कैप्सूल के अंदर है. जैसे कि तो मैं आपको इसका बेनिफिट एकदम नॉर्मली बता दूं. एक तो होती है आपकी जो ऑयली स्किन है उसे मेंटेन करने में वो मदद करते हैं, आपकी हेयर को ग्रोथ देने में मदद करते हैं, आपकी स्किन में अगर कोई रैशेस पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसे मेंटेन करने में या तो उसे रिमूव करने में मदद करते हैं, और उसके साथ साथ इज ऑल्सो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज. जो चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसी एक सप्लीमेंट की जरूरत है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से बनाया हुआ है, वो है जेड प्लस कैप्सूल, जो आपको लेना ही है. आपकी स्किन का नरिशमेंट देने में भी ये मदद करते हैं. किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, कोई भी इंफेक्शन कोई भी रैशेस बहुत जल्दी से आ जाते हैं, जिनकी स्किन में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है वो भी इसे इस्तेमाल जरूर करें, राइट. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. शायद आप लोगों को ये जो हम लोगों ने एक पैकेज बनाया है ये आपके स्किन के लिए, आप मतलब जो भी स्किन का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम हो या तो कोई भी रैशेस का प्रॉब्लम हो, ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें आप इनको जरूर इस्तेमाल कीजिए. और आप जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे मैं श्योर हूँ आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगी, राइट. अगर किसी का इस प्रोडक्ट के थ्रू कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं. अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है वीरेंद्र सर का, आई थिंक सो, कि अगर किसी का मतलब स्किन टोन थोड़ा सा मिडिल है जिसे हम लोग सांवली बोलते हैं तो क्या उसमें मदद आएगी. तो मैं आपको बता दूं सर कि अगर किसी का स्किन टोन मिडिल टोन है तो इसमें मदद इसलिए आएगी कि अगर वो कोई भी टॉक्सिन्स की वजह से उनका स्किन कहीं ना कहीं पे डल हो गया है, या तो अगर उनका होती है ना कि स्किन टैनिंग की वजह से अगर स्किन में कोई भी डार्कनिंग आ चुकी है तो उसमें वो बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि ये टॉक्सिन रिमूव करते हैं. ये सारे जो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बताया ये डिटॉक्सिफाई करते हैं ब्लड को. तो जी हाँ, बिल्कुल स्किन टोनिंग में बिल्कुल फर्क नजर आए. अच्छा, ज्यादा पिंपल है चेहरे पे बीबी क्रीम चलेगी. मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ओनली फॉर बीबी क्रीम से काम चलवा दूंगी, तो मैं उनके लिए बताऊं कि बीबी क्रीम आप दे सकते हैं, उसके साथ साथ एंटी क्लियर जेल भी ऐड कीजिए.
एंटी पिंपल क्लियर जेल जो है उसे ऐड कीजिए, और उसके साथ आपको ये जो अभी मैंने जो पैकेज बताया है उसमें जो भी प्रोडक्ट है उसे ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, एनी डाइट रेस्ट्रिक्शन? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि डाइट तो मेंटेन करना होगा, कोई भी तला हुआ चीज, कोई भी बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज अगर ना इंटेक करे तो बहुत ही अच्छी होगी, और उसके साथ साथ अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो उसमें और भी जल्दी से जल्दी फर्क नजर आए। अच्छा, फेस को टाइट करने में क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? मैंने जितने भी प्रोडक्ट अभी के लिए कहा है मैं शायद मैंने यहाँ पे सब में ही एंटी एजिंग वाले एक वर्ड को यूज किए हैं। अगर किसी को स्किन को टाइटनिंग करना है या तो कोलाजिन को बूस्ट अप करना है, इसके लिए आपको इस सारे प्रोडक्ट से चॉइस करना होगा, या तो आप अगर किसी को ये पूरा एक कॉम्बिनेशन देते हैं तो उनको बिल्कुल फर्क पड़ेगी उनके स्किन में कोलाजिन टाइटनिंग के लिए। अच्छा, जस्ट ए मिनट, अच्छा और एक क्वेश्चन आया है कि फेस को वॉश क्या ओनली फॉर वाटर से करें? मैं आपको लोगों को बता दूं कि फेस को अगर आप, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है मैं सबके लिए बता दूं कि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना है कि मैम अगर हम लोग नॉर्मल वाटर से मतलब फेस को क्लीन करें तो क्या वो अच्छा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पोर्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मल वाटर से कभी भी स्किन क्लियर नहीं होती है, राइट? अगर आपको स्किन को प्रॉपरली क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड आपको प्रोटेक्शन देना है तो इसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं। फेस वॉश यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फेस वॉश अभी केवा ने नया एक फेस वॉश भी लॉन्च किए हैं कि होमिंग फेस वॉश, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। या तो जिन और भी जो भी फेस वॉश है आप वो भी फेस वॉश केवा की यूज कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल वाटर से नहीं, क्योंकि जब तक पोर्स प्रॉपरली क्लीन नहीं होती है तब तक आपकी स्किन का प्रॉब्लम नहीं जाएगी, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि आंचले जोनो की होते हुए, अच्छा सर इसके लिए तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं कि आपने जो ये क्वेश्चन मुझे किया है तो इसके लिए मुझे कोई मतलब अभी तो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन मैंने जो मतलब लगाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको अभी जो प्रेजेंटेशन दिया है इसके अंदर से अगर आप 2-3 प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करेंगे तो आई थिंक इसमें फायदा हो सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन। मैम हैंड स्किन उतर जाती है और सॉरी, एक मुझे ये समझ में नहीं आया, किसी ने ये कहा है कि मैम हैंड स्किन उतर जाते हैं और हथेलियों पे कट हो जाते हैं। अच्छा, जितना तक मुझे जितना समझ में आया, मुझे पता नहीं कि मैं श्योर नहीं हूँ, अगर किसी का मतलब हाथ में अगर कोई भी स्किन उठ मतलब रिमूव हो रहा है और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, कभी कभी होता है ना कि स्किन जैसे कि स्किन उठ जाता है और बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो जाती है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको एलोवेरा
जूस लेना ही है, उसके साथ अकाई जूस को ऐड करना है, और हाथ के लिए प्रॉपर जो मॉइस्चराइज है, हैंड मॉइस्चराइज है, या तो जो केवा की मॉइस्चराइज है, वो आप बिल्कुल यूज कर पाएंगे फॉर योर हैंड। अच्छा, विंटर में फेस के ऊपर काला पैचेस पड़ जाते हैं, या तो उसके लिए क्या लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सप्लीमेंट मैंने बताया ये तो लेना ही है। उसके साथ साथ अगर किसी की स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए नीम खीरा प्रोडक्ट, मतलब नीम खीरा क्रीम, और उसके साथ डे एडवांस डे क्रीम, फेयरनेस क्रीम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किसी का स्किन टोन अगर थोड़ा डार्कर साइड में है या तो सावली है, उसके लिए अकाई जूस, हिमालयन बेरी, एलोवेरा जूस आप उनको दे सकते हैं, उसमें उनको ब्राइटनिंग स्किन में आएगी, राइट। उसके साथ फेस के लिए फेयरनेस क्रीम यूज करना जरूरी है, सन प्रोटेक्शन यूज करना जरूरी है, और अगर किसी का पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए नीम खीरा क्रीम यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी फेस इज डार्क इन समर, व्हाट टू यूज फॉर इट? आपकी स्किन के लिए अगर समर में डार्क हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्किन में टैनिंग हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी बाहर निकले, उससे पहले आपको एटलीस्ट 15 मिनट पहले सनस्क्रीन को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 15 मिनट के बाद आप बाहर निकल सकते हैं विद सन प्रोटेक्शन। जी हाँ, जेड प्लस आप किसी को भी दे सकते हैं, जेड प्लस टैबलेट आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, किसी के व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट मिक्स हो जाते हैं, मैं समझी नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक स्पॉट मिक्स हो जाते हैं का मतलब क्या हुआ? सॉरी, अच्छा एक्सट्रीम, अच्छा आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन मैंने आज आप लोगों को बताया, जो भी आप मतलब एक पैकेट जो हम लोगों ने बताया, अगर हो सके तो प्लीज सभी को ये प्रोडक्ट के साथ कोई भी स्किन प्रोडक्ट सजेस्ट करें, या तो जितने भी प्रोडक्ट है उसमें आप चॉइस करके आप प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं, लेकिन स्किन प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट एंड स्किन की क्रीम ऐड करके तभी आपको देना जरूरी है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय जय केवा, दिल से केवा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।